एक और कोरोना के संक्रमण के चलते जहां पूरा देश इस वक्त लॉकडाउन है, तो वहीं दूसरी ओर प्रवासी मजदूर लगातार अपने घर लौटने के चक्कर में हादसे का शिकार हो रहे हैं। ताजा मामला उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर का है, जहां पर नशे में धुत रोडवेज बस के ड्राइवर ने पैदल घर जा रहे मजदूरों को रौंद डाला। इस हादसे में 6 मजदूरों की मौत हो गई है। इसके अलावा 4 मजदूर घायल भी हो गए, जिसमें से 2 की हालत गंभीर बनी हुई है। इस हादसे की सूचना पाकर पुलिस ने मजदूरों को कुचलने वाले रोडवेज बस के ड्राइवर को गिरफ्तार कर लिया। फिलहाल पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है। वहीं सीएम योगी आदित्यनाथ ने मृतकों को 2-2 लाख रुपए और घायलों को 50-50 हजार रुपए का मुआवजा देने का ऐलान कर दिया है। आपको बता दें कि मरने वाले मजदूर बिहार के पटना, गोपालगंज और भोजपुर के रहने वाले हैं। ये लोग पंजाब में काम करते थे और पैदल ही अपने घरों की ओर लौट रहे थे। इधर मध्य प्रदेश के गुना में भी एक दर्दनाक हादसा हुआ। जानकारी के मुताबिक कैंट थाना क्षेत्र में मजदूरों से भरी बस और ट्रक में भिड़ंत हो गई। इसमें 8 मजदूरों की मौके पर ही मौत हो गई। इसके अलावा 50 से अधिक मजदूर घायल भी हो गए। घायलों का स्थानीय जिला अस्पताल में फिलहाल इलाज जारी है। ये सभी मजदूर महाराष्ट्र से उत्तर प्रदेश की ओर जा रहे थे। यूपी और मध्य प्रदेश में 2 दर्दनाक सड़क हादसे हुए हैं। दोनों हादसों में कुल 14 लोगों की मौत हो गई है, कई लोग घायल भी हो गए हैं। लॉकडाउन के बावजूद सड़क हादसे थमने का नाम नहीं ले रहे। पहला हादसा हुआ एक ड्राइवर के लापरवाही के चलते। रोडवेज बस का यह ड्राइवर बताया जा रहा है, जो कि नशे में धुत था, पैदल जा रहे प्रवासी मजदूरों को इसने रौंद डाला और जिसमें लोगों की मौत भी हो गई। यूपी और मध्य प्रदेश 2 दर्दनाक सड़क हादसे, दोनों में 14 लोगों की मौत हो गई, कई लोग घायल भी हो गए। घायलों का फिलहाल इलाज जारी है, इसमें से कई लोगों की हालत गंभीर भी है। तस्वीरों में देख सकते हैं आप, यूपी और मध्य प्रदेश के ये तस्वीरें हैं, जहां पर पहला केस हुआ यूपी में। सड़क पर जा रहे थे कुछ पैदल मजदूर अपने घरों के लिए। बिहार के सभी मजदूर बताए जा रहे हैं, जहां पर रोडवेज बस का एक ड्राइवर, जो कि नशे में धुत तेज रफ्तार में अपनी बस को चलाता हुआ और पैदल जा रहे थे उन लोगों को यहां पर कुचल दिया। हादसे में लोगों की मौत हो गई और कई लोग गंभीर रूप से घायल भी हो गए। स्थिति अभी भी गंभीर है उनकी।